हरियाणा ने पटवारियों से किए वादों को पूरा कर दिया। सरकार ने पटवारियों की पे ग्रेड बढ़ाने की मांग को पहले ही मंजूर कर लिया था और अब इस बढ़ोतरी को लेकर औपचारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसके तहत पटवारियों के मानदेय में 6,600 की बढ़ोतरी की गई है। हमने भी उसका अध्ययन कराया तो हमें भी लगा कि हाँ, उनका एक पे स्केल बढ़ना चाहिए। तो पे स्केल बढ़ा करके अब उनकी जो अभी तक 25,000 के लगभग जो सैलरी थी उसको 32,100 ये कर दिया है। एक लेवल उसका 5A लेवल और नया क्रिएट करके और पे स्केल हमने 32,100 और वो कर दिया है। मानदेय में बढ़ोतरी से पहले पटवारियों को 25,500 का पे ग्रेड मिलता था, लेकिन अब पटवारियों को उनके काम के बदले 32,100 रुपए की राशि मिलेगी। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले हमने 20 जनवरी को यहाँ पे प्रदर्शन किया, ट्राई सिटी में 3 जगह प्रदर्शन किया था, चंडीगढ़, पंचकूला, मोहाली में। हमारी प्रमुख मांगों में जो हमारी बड़ी पेंडिंग डिमांड है, लंबित मांगे हैं, उसमें 5-day week है, NPS जो न्यू पेंशन स्कीम है उसको सब्सक्राइब करने की हमारी डिमांड है, रिक्रूटमेंट की डिमांड है हमारी और पेंशन अपडेशन की डिमांड है। तो ये डिमांड्स के लेके हम पिछले कई साल से 4-5 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले साल भी जो हमारी पिछली बार जो हमारी सेटलमेंट हुई थी, बाईपार्टाइट सेटलमेंट, तो उसके अंदर ये डिमांड्स हमारे रेगुलर इशू थे। तो सरकार ने कहा था कि आप सेटलमेंट कीजिए, ये इशू जो है बाद में सॉल्व कर लेंगे। लेकिन उसके बाद हम बार बार खटखटा रहे हैं दरवाजा आईबीए का, सरकार का, लेकिन उन्होंने कोई हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। पटवारियों की मांग सालों पुरानी थी, जिसके लिए पटवारी समय समय पर आवाज उठाते रहे थे। बीते दिनों भी पटवारियों ने हल्ला बोल के जरिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाई थी, जिसके बाद सरकार ने पटवारियों को उनके काम के लिए जायजा, मेहनताना और खाली पदों पर नियुक्ति का आश्वासन दिया था, जिसे अब सरकार ने बहाल कर दिया है। सूर्य समाचार, ब्यूरो रिपोर्ट।